हेलो। जस्ट अ मिनट।
हेलो एवरीवन, या जस्ट गिव मी अ मिनट. वी आर वेटिंग फॉर आवर स्पीकर तनुश्री मैम टू जस्ट जॉइन द मीट. जस्ट गिव मी सम टाइम. हेलो अनिल, आर यू देयर? यस अनिल कृष्ण, राजवे, प्लीज यस एम आई ऑडिबल? ओपन योर माइक. हेलो, हेलो हेलो कृष्णा, हाँ यस अनिल, यू आर ऑडिबल. अदर देन दिस, अनु मैम, आर यू देयर? यस कृष्णा, आई एम देयर. ओके, सो अनिल सर, यू कैन लाइक स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्टार्ट द सेशन. ओके, थैंक यू कृष्णा. मेरी आवाज आ रही है? ठीक, यस सर. हेलो एवरीवन, मैं अनिल राजगढ़, और आज आज़ादी की इस पावन संध्या पर, जब हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ, इसी पावन संध्या पर आज हम एक इस वेबिनार के रूप में एकत्रित हुए हैं. और जहां एक तरफ पूरा देश जो है वो हर हर घर तिरंगा अभियान है वो पूरे जोर शोर से चला रहा है, तो उसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो हर घर तिरंगा वो भी बहुत ज़रूरी एक कार्यक्रम है कि हम प्रतीकों के महत्व को समझें. लेकिन मैं समझता हूं कि ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रतीक जिस तरफ इशारा करते हैं, वो प्रतीक हमें जिस तरफ ले जाना चाहते हैं, उस पर हम एक आवश्यक बहस करें. और उसी संदर्भ में, उसी कड़ी में मैं कहीं ना कहीं इस वेबिनार को, इस कार्यक्रम को देख पा रहा हूँ. और सबसे पहले मैं उदय प्रकाश की एक कविता है, उसकी चार पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहूँगा कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, और आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, और कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है. तो जिंदा रहने के लिए बोलना और सोचना, ये दोनों ही क्रियाएं जो हैं वो प्रमाण है. और कहीं ना कहीं आज इस कार्यक्रम की जो थीम जो है कि हमारे आज़ादी के दीवाने जो हैं, फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, उन पर हम एक सार्थक चर्चा करना चाहते हैं. और मेरे को लगता है कि फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो सबसे बड़े प्रतीक हैं, कि क्योंकि उन्होंने जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया, जुल्म के खिलाफ लगातार लड़ते रहे, सोचते रहे, बोलते रहे, इसीलिए वो आज मरकर भी अमर हैं और हमारे सामने मतलब जिंदा हैं. और कहीं ना कहीं हमें नित नवीन हमारे देश को प्रगति के पथ पर बिठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें संदेश देते रहते हैं. तो उसी संदर्भ में जो थीम है कि हम फ्रीडम फाइटर के जीवन से, उनकी लाइफ से कैसे लाइफ स्किल है वो सीख सकते हैं, जीवन कौशल को सीख सकते हैं, और अपने बच्चों को और करो. विशेषकर जो हमारे युवा साथी जो हैं उन तक पहुंचा सकते हैं, ताकि ताकि हमारे सपनों का भारत जो है उसको एक सार्थक रूप से आकार दिया जा सके. अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा, सबसे पहले तो हमारे जो आज गेस्ट स्पीकर्स हैं उनसे मैं आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक परिचय करवाना चाहूँगा. हमारे साथ तनुश्री पारिक मैम हैं, सहायक कमांडेंट हैं BSF में. और उसके बाद में हमारे साथ हैं अनु बेनीवाल मैम हैं, जो कि डेनिप में कार्यरत रही हैं, और साथ में यूपीएससी सीएससी 2021 में ये IPS के तौर पे कार्यरत हैं. हम अनु मैम का स्वागत करते हैं. और इसी कड़ी में अतुल बाल सर हैं, जो कि IIT दिल्ली के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और प्रोटेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी हैं. और साथ ही बाल सर जो हैं वो लगातार जो कई सामाजिक पहलों में हैं,
वो सक्रिय नज़र आते हैं। तो हम इनका इन सब का तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही में जो तमाम लोग इसमें जुड़े हैं, तमाम छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और चूंकि वैसे तो हमें हमारे गेस्ट जो हैं उनका माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारी सीमाएं हैं और हम एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं न्यू के NEEV के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर उपदेश वर्मा जी से ये गुजारिश करूँगा कि माल्यार्पण तो नहीं, लेकिन हम केवल शब्द और भावनाएं जरूर है वो हमारे गेस्ट के प्रति अर्पित कर सकते हैं। तो अपने शब्दों से और अपनी भावनाओं से हमारे गेस्ट जो हैं उनका आप स्वागत करें, और साथ ही न्यू की पहल के बारे में भी आप संक्षिप्त में जो है अपने विचार रखें, ताकि हम आपके जो इनिशिएटिव जो हैं उसके बारे में जागृत हो सकें और जान सकें। डॉक्टर उपदेश वर्मा। थैंक यू अनिल जी, आपको होपफुली मेरी आवाज़ आ रही है। और थैंक यू सिमरन, थैंक यू अतुल बर सर, थैंक यू तनुषी जी, अनु मैम एंड कृष्णा फॉर सच ए ब्यूटिफुल वेबिनार। माई सेल्फ डॉक्टर उपदेश वर्मा, मैं IIT दिल्ली से पास आउट हूँ और फिर उसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका से मैंने IIST करी है। और अतुल बर सर का तो हम लोग हमेशा ही कुछ ना कुछ, जैसे आज का वेबिनार का टॉपिक भी है कि जो हम ड्रीम्स हमारे पूर्वजों ने देखे हैं उसको हम जो है अभी यंग जनरेशन के साथ कैसे शेयर करके उसे साकार कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारी बातें ऐसी डिस्कस करते रहते हैं, जैसे कि शहीद भगत सिंह की हम जयंती मनाते हैं, बाकी और भी जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी हुए हैं उनके बारे में हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं। और उसी कड़ी में हम ये आज का वेबिनार कर रहे हैं जो कि बहुत ही प्रासंगिक है। अब मैं एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है नींव के बारे में, मैं उसे बताता हूँ, थोड़ा सा शेयर करता हूँ, कुछ फोटोज हैं तो होपफुली यू लाइक दैट। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ सबको कि जो नींव का इनिशिएटिव था वो डॉक्टर मिस्टर अतुल बल जी के टाइम से ही शुरू हुआ था और उन्होंने इस को शुरू करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और अभी भी साथ ही हैं। और समय समय पर जैसा भी चीज़ें होती है वो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो नीव क्या है, नेशनल एजुकेशन एनरिचमेंट इन विलेजेस, एक सोशल एजुकेशन इनिशिएटिव है जो कि IIT के एलुमनाई द्वारा चलाया जाता है। ये एक रजिस्टर्ड संस्था है और जिसका MSME रजिस्ट्रेशन भी है। ये प्रेजेंटली जी नीट के ऑफिस बियर्स हैं एडवोकेट हरिदत्त वर्मा जी, प्रोफेसर बीरपाल जी, राजन मार्शने जी, अनिल वाले जी, विजय कुमार तिवारी जी, एंड मैसल। और हमारे फाउंडर मैम एंड विजन इज वेरी क्लियर कि हमें क्या करना है, हम पहले से ही क्लियर है कि हमें क्या करना है कि टू एम्पावर इंडियंस बाय एनरिचिंग देम विद क्वालिटी एजुकेशन इन विलेजेस स्लम एंड ट्राइबल एरियाज। ये हमारा मेन बेसिक एम है। विजन भी क्लियर है कि इफ द पुअर कैन नॉट कम टू एजुकेशन देन वी एज ए एजुकेटर वी मस्ट गो टू देम एंड मेक इंडियन एवरी इंडियन एजुकेटेड अवेयर अबाउट ड्यूटीज एंड देयर राइट्स एंड मेक इंडिया एंड इट्स पीपल सेल्फ रिलायंट। दिस इज अवर मोटो। मैं अभी क्योंकि कोविड की महामारी निकली है तो उसमें हम लोगों ने IIT दिल्ली में हमारे साथी हैं डॉक्टर विपिन कुमार, उन्होंने कवच नाम से एक मास्क बनाए थे तो हम लोगों ने वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करा जो थ्री देयर पहला इंडिया में निर्मित मास्क था। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हैं जो कि हमारे नीव के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कोविड हेल्प के बारे में पब्लिश हुई। हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन की भी काम का भी काम करा क्योंकि उस टाइम तो स्थिति ऐसी थी कि पता ही नहीं लग रहा था कि कौन किस टाइम तक अपने घर में बैठा रहेगा, किसके पास नौकरी भी नहीं थी। हम लोगों ने जैसे आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है उसमें छात्राओं को हमें कोडिंग के बारे में सिखाने के लिए बताया गया है। छात्राओं को नहीं वरन सभी को 6 क्लास से आगे सबको कोडिंग क्लासेस की अनिवार्यता।
है उन्हें को कुछ स्पेशल इवेंट्स भी हम लोग करते हैं, जैसे विज्ञान की बात स्कूल प्राइमरी स्कूल टीचर्स के साथ। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि हम जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं उनको बताते हैं कि भाई हम कैसे विज्ञान को पढ़ाएं। डिफरेंट डिफरेंट ये नीट के वेबिनार्स हम लोग आयोजित करते रहे हैं। और कोविड ड्यूरेशन में भी हम लोगों ने एक मशीन बनाई थी जिसमें जैसे कि कोविड सैनिटाइजेशन मशीन कहते हैं, तो ये भी नीट के वॉलंटियर्स के द्वारा ही बनाई गई थी। तो बेसिकली इसमें हिंदू कॉलेज की अहम भूमिका है, डॉक्टर ललित कुमार जी के निर्देशन में इसे बनाई गई थी। और ये 30 सेकेंड्स के अंदर ही जो भी कोविड से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको सैनिटाइज कर देती हैं। एक मशीन और भी हमने अभी डेवलप करी है जो कि हमारे नीट के साथियों के द्वारा ही डेवलप करी गई है, कि उसमें भी एक एयर फिल्टर हमने बनाया है कि अगर उसे हम घर पे रख दें और उसे ऑन कर दें तो विद इन फ्यू मिनट्स पूरा का पूरा जो एरिया है वो सैनिटाइज हो जाता है। दैट इज अ प्लाज्मा बेस्ड डिवाइस जिसमें मैं बात करता हूँ। हमारी कुछ चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी बताई गई हैं कि जो हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अतुल बल सर के साथ तो बड़ा मतलब सानिध्य रहा है, तो उनके साथ हम लोग चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के पास भी गए थे, तो जिसमें हमने बताया कि जो पॉल्यूशन है, मतलब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं, तो हमने बताया कि भाई पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं, वहाँ पे एग्रो बोट्स बना सकते हैं। बहुत सारी हमने शेयर करी जानकारी है उनके साथ भी, तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा। कुछ चीज़ें हम जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं बच्चों के साथ, उन जिससे कि उन्हें ना लगे कि वो ये स्ट्रीम से अलग हटके हैं। ये वेबिनार्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जो हम कीनोट स्पीकर्स को बुला के लोगों को एजुकेट करते रहते हैं, जिसमें हमारे डिफरेंट वाइस चांसलर्स हैं, फॉरेन डेलीगेट्स भी आते हैं, इवन डिस्टिंग्विश एलुमनाई अवार्डीज हैं आईटी दिल्ली के, वो सभी लोग आते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने एक विद्या एजुकेशन से टाइप करा जो कि ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। जैसे कि ये हर त्यौहार हम लोग बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं जिससे उन्हें ना लगे कि वो कहीं से ही अलग हैं, उनका कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे और वो स्ट्रीमलाइन एजुकेशन में आ जाएं। तो ये डिफरेंट जैसे होली दिवाली सेलिब्रेशन है, क्रिसमस सेलिब्रेशन है, हम लोग लर्निंग बाय डूइंग की तर्ज पे भी काम करते हैं, जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को बना के दिखाते हैं। जैसे रोबोट्स ब्रश से रोबोट बना के दिखाया है, जैसे बुलबुले कैसे फूलते हैं, उनकी साइंस क्या है, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये फन टेक्नोलॉजी है और इसे वो अपने आप कर सकते हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस भी उनका बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं इन फोटोज में कि कैसे छोटे छोटे बच्चे बुलबुलों से खेल रहे हैं, उनके पीछे की साइंस वो समझ रहे हैं। तो ये सारे सारे हमारे एलुमनाई हैं जो कि इन चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं। डिफरेंट चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कभी शूज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कभी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कभी हम लोग समर कैंप लगाते हैं जिससे कि बच्चों को चीज़ें नई नई चीज़ें पता लगती रहे। हम लोग वुमेन्स एम्पावरमेंट पे भी काम करते हैं, और हमने एक एजुकेशन सेंटर भी स्टार्ट कर रखा है मेरठ में, जहाँ पे हम सिलाई कढ़ाई करीब 50 से ज़्यादा वुमेन्स को सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स हैं, बच्चों के साथ हम लोग खाना खाते हैं, मतलब बहुत सी भी चीज़ें हो सकती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को ये लगे कि हाँ भाई वो अकेले नहीं है, उनके साथ हम लोग हैं और वो अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड मतलब पा सकते हैं। हेल्थ कैंप, हम डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ कैंप्स भी हम लगाते रहते हैं। और तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो लोग कि हम लोग करते रहते हैं। और जस्ट ए मिनट, ये थोड़ा ओके। तो और कुछ हम लोगों ने एनजीओ के साथ कोलेबरेशन कर रखा है, जैसे कि अलग है, रॉबिनोड आर्मी है, और जितने भी हम आसपास के जो साथी है हमारे वॉलेंटियर्स हैं, हमारा बेसिक एम तो ये है कि किसी भी तरह से हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा पाए, तो उसके लिए हम कुछ भी हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, आई थिंक ये अनिल जी आपको आवाज़ आ रही है?
जी जी बिल्कुल आ रही है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थोड़ा सा कट रहा था। अच्छा, ये शायद लग रहा है कि इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से हैंग हो गया, तो आई थिंक नहीं, अभी अभी आ रही है आवाज़ स्टेबल आपकी। है। ओके ओके, तो हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे काम करते हैं, तो अगर आप लोग भी हम लोग को इससे जुड़ना चाहें और किसी भी तरह से जो आसपास के बच्चे हैं उनको हेल्प करना चाहें, तो आप अपने घर के आसपास भी बच्चों को जो है एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं, और हम लोग आपसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से हमेशा जुड़े रहेंगे। नाउ अब टाइम हम लोग नहीं लेते हैं ज़्यादा, तो नेक्स्ट हमारे जो स्पीकर्स हैं हम लोग उनके पास चलते हैं और उनसे सीखते हैं कि भाई उनके क्या क्या व्यूज़ हैं इस वेबिनार के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद उपदेश भाई, आपने अपने जो इनिशिएटिव के बारे में जिस तरीके से संक्षिप्त में बताने की कोशिश की, मैं समझता हूँ कि हम सभी इन चीज़ों से बहुत ही अच्छे से इंस्पायर हो सकते हैं और हम ये सीख सकते हैं कि नवोन्मेष जो है, नवाचार जो है, उसकी तरफ निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। वही एक तरीका है कि हम नई नई नए नए तरीक़ों से देश को है वो आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो यही जगह थी, यही दिन था और यही लम्हात, यही जगह थी, यही दिन था और यही लम्हात, यही तो देखा था एक ख्वाब, सोची थी एक बात, मुसाफिरों के दिलों में ख्याल आता है, हर एक ज़मीर के आगे सवाल आता है, और वो बात याद है अब तक हम की भूल गए, वो बात याद है कि अब तक हम उसे भूल गए, वो ख्वाब अब भी सलामत है या फजूल गए, और चले थे दिल में लिए जो इरादे पूरे हुए। तो इसी स्प्रिट के साथ अब आगे मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए IDYM के संस्थापक श्री रविशंकर जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी आएँ और संक्षिप्त में है वो अपने इनिशिएटिव के बारे में हमारे सामने चर्चा रखें। श्री रविशंकर जी, कैन यू सी मी सर? आपकी आपकी आवाज आ रही, आपकी आवाज आ रही। आप मुझे देख पा रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सो मच अनिल राजगढ़ जी और नीम के संस्थापक उपदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस वेबिनार में बुलाया है। और जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि नीव का अभी सर ने बता रहे थे बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी अच्छा लगा हमें कि हम नीव के बारे में जानने का मौका मिला है आने के बाद। मैं आप लोगों से बस छोटी चीज़ें बोलना चाहूँगा कि आप हम सभी लोग मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम सभी लोग उसमें योगदान देंगे। 1947 में हमें आज़ादी मिली, उस आज़ादी के लिए काफ़ी लोगों ने सेक्रीफाइस किया, सुभाष चंद्र बोस जी हो या फिर भगत सिंह हो, महात्मा गांधी जी हो, हर लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया। उनकी हर साल हम जब आज़ादी मनाते हैं तो उनकी फोटो की पूजा करते हैं, उस पर माला चढ़ाते हैं, पर अभी भी हम बहुत सारी चीज़ों में लैग कर रहे हैं कि उनके अंदर वो क्या क्वालिटी थी, वो क्वालिटी हम हर इंडियंस के अंदर कैसे डेवलप करें, इस पर हम सभी को काम करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों ने उस क्वालिटी को अपनाया है और भारत के लिए बहुत कुछ काफ़ी अचीवमेंट्स उन्होंने दिए हैं, जैसे आप बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। होमी भाभा, आप जानते हैं कि न्यूक्लियर जो अपना मुंबई में जो प्लांट है उनके नाम से ही बना हुआ है, भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर। अब्दुल कलाम जी ने अपने को बहुत सारे अचीवमेंट्स दिए हैं, हमने बहुत सारी मिसाइल्स बनाई है उनके हेल्प से ही। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि कोरोना जैसी क्राइसिस में भारत ने बहुत ही कम समय में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया और अपनी खुद की वैक्सीन डेवलप की, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक समय था जब भारत काफ़ी चीज़ों में लैग करता था, काफ़ी कुछ हम लैग करते थे, बट आज के डेट में हम इतने आगे पहुंच चुके हैं कि हमने 6 महीने के अंदर दो दो वैक्सीन बनाई और काफ़ी कंट्रीज को हेल्प भी किया, उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी। तो
काफी सारी चीजें हमने जो हमारे पूर्वजों ने की है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली है उसको हमने अडॉप्ट किया है, पर अभी भी कई जगहों पर हम लैग कर रहे हैं, जिसे हर भारतीयों को चाहिए कि वो उस पर काम करे और उनके जो हमारे जो अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की तरह से कॉन्ट्रीब्यूट किया है भारतवर्ष के लिए, सभी लोग काम करें। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा इस वेबिनार के माध्यम से कि हम लोग अभी इग्नाइटिंग ड्रीम्स ऑफ यंग माइंड फाउंडेशन एक संस्था चलाते हैं। हमारे साथ हमारे प्रेसिडेंट रत्नेश मिश्रा जी भी हैं जो कि IIT बॉम्बे से पढ़ाई की है और उन्होंने प्रथम सैटेलाइट भी लॉन्च की है। काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि IIT और इसरो DRDO से है, उनकी मदद से ही हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले 2 सालों की जर्नी में 2020 से हमने वर्चुअली इस प्रोग्राम की शुरुआत की कि सभी बच्चों को फ्री में सैटेलाइट और स्पेस का एजुकेशन देंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 1 लाख से ऊपर बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया है और उसकी वजह से कई सारे बच्चों ने अपनी खुद की सैटेलाइट भी बिल्ड की है। बहुत बड़ी सैटेलाइट तो बिल्ड नहीं किए पर एटलीस्ट उन्होंने लर्न करने के लिए फेमटो सैटेलाइट टाइप की उन्होंने बिल्ड की है। आने वाले दिनों में हमारा टारगेट ये भी है कि बच्चे बड़ी सेटेलाइट पर भी काम करें और वो तभी पॉसिबल है जब हर इंडियन हमें सहयोग करेंगे। और इसके साथ ही साथ हमारे आवाज़ सर आपकी नहीं आ रही है, अचानक से चली गई है थोड़ा सा। रविशंकर जी सुन पा रहे हैं मेरे को? अनिल सर, देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच, यू कैन कंटिन्यू विद द अदर स्पीकर आई थिंक। ओके ओके थैंक यू। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से रविशंकर जी की आवाज़ थोड़ा इशू हो गया था, तो हम कार्यक्रम को बिना किसी लेट लतीफी के आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और अभी मैं हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स जो हैं और आज इस सार्थक चर्चा के आकर्षण भी जो हैं उन्हीं से शुरुआत करना चाहूँगा। और इस कड़ी में सबसे पहले मैं तनुश्री पारिक मैम को आमंत्रित करना चाहूँगा। असिस्टेंट कमांडेंट आप हैं BSF में और फर्स्ट लेडी ऑफिसर इन कॉम्बैट रोल ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स यानी कि BSF इंडिया। तो और तभी सभी जो पार्टिसिपेंट्स जो है जो टीचर्स भी हैं या जो छात्र छात्राएं हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि बड़े करीने से ही और पूरा ध्यान देके मैम को सुना जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल तरीके से अगर देखा जाए हम काफ़ी सारी किताबें पढ़ते हैं लेकिन मेरे को लगता है कि हम रियल इंस्पिरेशन उन्हीं से ले सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में खुद इसको मुकम्मल तरीके से करके दिखाया है। तो वो हम जो है तनुश्री मैम के जीवन से बिल्कुल सीख सकते हैं। और मैं मैम से भी अनुरोध करूंगा क्योंकि हमारा ऑडियंस है वो मुख्यतः बच्चे हैं, तो एक प्रैक्टिकल फॉर्म में और अपने जो व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को शामिल करते हुए अपनी बात को रखें ताकि हम सब हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएं। अभी मैं तनुश्री मैम का बहुत बहुत स्वागत करते हुए अनुरोध करना चाहूँगा। मैम मंच आपका है, प्लीज़ आप अपनी चर्चा शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, सभी को 76वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सबको बहुत बधाई। ये जो आज का टॉपिक रखा है, मतलब ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ आर फ्रीडम फाइटर एंड फॉर फ्यूचर इंडिया, बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। ये जो हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं कि आने वाला भारत को हम किस तरह देखते हैं, और जब सबसे ज्यादा बात होती है कि कंट्रीब्यूशन की या फिर पेट्रियटिज्म की, तो एक चीज जो रहती है कि जो यूनिफॉर्म में खड़ा है, जो खाकी पहने या फिर कैमोफ्लेज पहने खड़ा है, क्या वही राष्ट्र निर्माण में या फिर राष्ट्र रक्षा में है? तो उस चीज पे मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जिस इंडिया को सोचा था, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस थे, जब बताया गया कि एक देश संभव नहीं है बनना इतनी भाषाओं का, इतने डिफरेंट कल्चर का, इतने रीजन का, इतने रिलीजन का, जब इंडिपेंडेंस के टाइम में ऑलमोस्ट 12% हमारी लिटरेसी थी, और आज जब 75 साल पूरे होने के बाद भी, 76 साल होने के बाद में भी ये देश खड़ा है, हर दिन बेटर हुआ है। बहुत सारे देश हमारे साथ आजाद हुए थे, उन किसी में डिक्टेटरशिप आई, किसी में मिलिट्री गवर्नमेंट आई, बट इस देश में वो दिन नहीं आया क्योंकि
इस देश ने जो हमें आइडल्स दिए थे हमारे फ्रीडम फाइटर ने, चाहे वो डेमोक्रेसी का हो, चाहे वो पेट्रोटिज्म का हो, लिबर्टी, इक्वालिटी, कहीं ना कहीं उनको फॉलो किया है. बहुत सारी कमियां रही हैं, उन्हीं कमियों को हमें आगे चल के दूर करना है. आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, आज के दिन जब अवार्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है, मेरी पिछली पोस्टिंग कश्मीर में थी, लाइन ऑफ कंट्रोल में, कुपवाड़ा सेक्टर में. मेरी ही यूनिट 169 बटालियन में, मैं डेल्टा कंपनी कमांड करती थी, मेरी कंपनी के कांस्टेबल सुदीप सरकार शहीद हुए थे 2019 में आतंकवादियों से लड़ते हुए. आज उनको कीर्ति चक्र मिला है, तो ये खुशी मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही थी. और ये कुछ उन चीज़ों में है कि हम क्यों करते हैं, ये उस जिंदगी का मोल क्या है, और सरकार के द्वारा या फिर इन तरह के जब पदक मिलते हैं तो उससे हमारे मोटिवेशन पे क्या फर्क पड़ता है. सुदीप सरकार जब कंपनी में थे, वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी कॉन्स्टेबल्स जैसे नॉर्मल होते हैं, अपना ड्यूटी करना जाना, वो एक एक मोमेंट था जिसने उनको अलग बनाया. वो था कि उस पर्टिकुलर जगह पे खड़े रह के दुश्मन दुश्मन का जवाब देना, ये ना सोचते हुए कि मेरे जाने के बाद में क्या होगा, बस अकेले लड़ते रहना. और उसी के कारण वो शहीद हुए, उसी के कारण वो हमारा इन्फिल्ट्रेशन अटैक जो टेररिस्ट ने किया था वो कामयाब हमने नहीं होने दिया. सुदीप को शहादत मिली और आज उनको कीर्ति चक्र मिला है, उसी के साथ में 4 PPMG भी मिले हैं. बट उसके साथ में मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि हर एक इंसान जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, वो राष्ट्र निर्माण में उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना एक सिपाही देश की सीमा पे खड़ा है, बॉर्डर पे. वो देश की रक्षा कर रहा है, उसको सिक्योरिटी प्रदान करने में, और जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि बिजनेसमैन इस देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो स्टेबिलिटी दे रहे हैं, नो डाउट. आज कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बच्चों में मोटिवेशन की एक थोड़ी कमी है, और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होने के कारण वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है. तो हम किस तरह अपना कंट्रीब्यूशन, किस तरह अपना रुझान करें ताकि हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाए. एक समाज के लिए या देश के लिए कंट्रीब्यूशन जो है वो सोचना थोड़ा सा सेकेंडरी आ गया है. इसमें मैं उपदेश जी और जो IDM ऐसी संस्थाओं को मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि प्रोफेशनल कोर्सेज में जो लोग होते हैं उनको फिर से लाते हैं और फिर याद दिलाते हैं कि हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, जो हमें इस देश या फिर इस समाज के लिए अदा करनी है. ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है. बट एक इंसान कैसे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकता है, या फिर अगर हम ये कहें कि अगर हर कोई भगत सिंह नहीं हो सकता है, हर कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं हो सकते हैं, तो हर इंसान कैसे अपनी अपने कामों से, अपनी भूमिका से इस देश में योगदान प्रदान करें, उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण अपनी जिंदगी से दूंगी. क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी पर्सनालिटीज का मैं एग्जाम्पल दे के लोगों को ये नहीं मैं दिमाग में पैदा करना चाहती भ्रम के कुछ स्पेसिफिक लोग ही होते हैं जो कुछ अच्छा कर सकते हैं. मेरा कहना यह है कि जब मैंने सोचा कि मैं यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाऊंगी, तो वो एक बहुत ही छोटा सा NCC का इंसिडेंट था. मैं अपने कॉलेज के टाइम पे NCC में थी, और NCC में कुछ दो तीन ऐसी बातें रहीं जब मुझे लगा कि यूनिफॉर्म आई थिंक बेस्ट है मेरी पर्सनैलिटी या मेरी करियर अपॉर्चुनिटी के लिए. वो सोच के मैंने उस तरह अपनी तैयारी की और ज्वाइन किया. मैंने ये नहीं कभी सोचा था कि मैं फर्स्ट लेडी ऑफिसर बनूंगी कॉम्बैट रोल में, बट हाँ, तैयारी की कदम पे कदम. पहले फिजिकल रिटर्न टेस्ट, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल क्वालिफाई किया, और जब मैं मुझे पंजाब बॉर्डर मिला, जो कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग माना जाता है स्मगलिंग के लिए, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि पंजाब बॉर्डर पे जाके ड्यूटी कैसे परफॉर्म करनी है.
लाइफ में आपको अपने कंट्रीब्यूशन देने के लिए सिर्फ एक एक पड़ाव को पार करना है कि आपने एक छोटा सा गोल बनाया, उस गोल के लिए आपको अपना कितना एफर्ट लगाना है, उसके बाद में उससे अगला क्या। हर कोई एक दिन में माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकता है, उसके लिए आपको बेस कैंप, स्टेशन वन, कैंप टू, कैंप थ्री तक जाना होता है। तो वैसे ही आपकी जो भी लाइफ में टारगेट्स हैं, जो भी आपने सोचा है जिंदगी में अपना कंट्रीब्यूशन अपने लिए, अपनी फैमिली या स्टेट नेशन के लिए, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और अपना जो अचीवमेंट या फिर सक्सेस से जो सेटिस्फेक्शन है उन छोटे छोटे टास्क को पूरा करके लाएं, क्योंकि कोई भी जंग या फिर युद्ध है एक बार में नहीं जीता जाता है। उसी तरह जब मेरी यूनिट कश्मीर गई तो मैंने चूज किया कि मैं अपनी यूनिट के साथ जाऊंगी, और वहाँ जब -23 से 30 डिग्री टेम्परेचर है और ना टेलीफोन कनेक्टिविटी है आज के टाइम में, ना आपको फ्रेश खाना है, ना घर वाले हैं, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे कैसे आप सरवाइव करते हैं। वो जो एक इंस्टिंक्ट है वो आपको वो पर्टिकुलर मौका आने पे ही आपके अंदर से निकलती है और वो डिसाइड करता है कि आपने कितना अपना योगदान दिया या फिर आपका किस तरह से नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन रहा। मैं बस इतना कहूंगी कि हैव फेथ इन योरसेल्फ। अगर मैं कर सकती हूँ तो हर बच्चा, हर यूथ, हर लड़की अगर सोच ले कि ये उसका पर्टिकुलर सपना है और उसमें लग जाए तो डेफिनेटली कर सकती है वो। और ऐसा नहीं होता है कि बहुत स्पेशल बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही जिनका पता होता है कि ये जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने वाला है या कुछ अच्छा करने वाला है और वही करता है। हर बच्चे के पास में एक टैलेंट है, अगर वो विचलित ना हो और दर पे दर मेहनत करते रहे तो वो जरूर सक्सेस होते हैं और वो जरूर अपना एक अहम रोल निभाते हैं। हाँ अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतनी सार्थक बातचीत और चर्चा हमारे सामने रखने के लिए। और सबसे पहले तो जैसे आपने जिक्र किया सुदीप सरकार जी की शहीदी का और बलिदान का, तो सुदीप सरकार जी के बलिदान को हम सलाम पेश करते हैं और उन्हीं के लिए मैं लालचंद फलक जी की दो लाइनें समर्पित करना चाहूँगा कि दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वफा आएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी संदर्भ में पूरा जो आपका वक्तव्य जो रहा उसी को मद्देनजर रखते हुए एक सवाल मैं पूरे ऑडियंस की तरफ पे, पूरे ऑडियंस के बिहाफ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से सैन्य सेवाओं में पहले हालांकि विमेन का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम रहा, लेकिन अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट उसको काफ़ी मोटिवेट कर रही है, कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं और हम पिछले काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि लगातार विमेन पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विमेन पार्टिसिपेशन को लेकर और हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से समाज को जागृत कर सकते हैं या फिर नीतियों के स्तर पे और किस प्रकार की पहल वो की जा सकती है। साथ में इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल ये भी रहेगा कि कॉम्बेट रोल में या सभी सैन्य और अर्धसैन्य सेवाओं में महिलाओं के आने से भारतीय समाज के अंदर एक परंपरागत तरीके से महिलाओं को जिस तरीके से देखा जाता है, उनका जो भारतीय समाज में जो स्टेटस जो है, क्या उसमें या उससे संबंधित मानसिकता में कोई बदलाव आ पाएगा, और अगर आ रहा है तो वह कैसे आ रहा है, कृपया इस पे अपने विचार रखें। जो पहला आपका सवाल था अनिल जी कि कंट्रीब्यूशन किस तरह बढ़ाया जाए और क्या इनिशियली किया जाए कि फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन बढ़े, तो मैं जो मेरी समझ रही है कि जैसे मैंने अपनी जिंदगी को जितना स्टडी किया है और किस तरह से कुछ पर्टिकुलर ट्रेट्स थे जो मुझे हेल्प किए, तो ये कोई भी प्लान, कोई भी स्कीम या फिर कोई भी नीति लाने से जरूरी है ब्रॉटअप, जो हम कहते हैं कि बच्चे का बड़ा होना। तो हम हमारी सोसाइटी में एक्चुअली दो तरह के चश्मे होते हैं, एक नीला चश्मा और एक गुलाबी चश्मा। तो जब वो मेल चाइल्ड को ट्रीट करता है तो वो नीला चश्मा लगा के उसको देखता है और उससे बात करता है, और फीमेल चाइल्ड को जब ट्रीट करता है तो उसको गुलाबी चश्मा लगा के देखता है और बात करता है।
मेल्स को जब बंदूक लाके दी जाती थी, पहले कार लाके दी जाती थी तो फीमेल्स को गुड़िया, किचन सेट। तो आप जब इस तरह का ब्रॉटअप करते हैं और इस तरह के ब्रॉटअप में जब बच्चा बड़ा हो रहा है, 10-12 साल की उसकी जो समझ हुई है, कोई भी तरह की नीति या कोई भी तरह की पॉलिसी उसमें बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकती है, क्योंकि जो उसने बचपन में देख लिया है वो निकालना बहुत मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है समान परवरिश। आप बच्चे को बच्चा समझें। मैं अपनी हर सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में जितने भी पेरेंट्स होते हैं उनसे यही गुजारिश करती हूँ कि किसी को भी एम्पावरमेंट या फिर अलग से कोई दर्जा देने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने बच्चे को बच्चा समझें, उसको बेटी या बेटा ना माने। गलती की है तो आप दोनों को पनिशमेंट दें, अच्छा किया है तो दोनों को रिवार्ड दें। और इसी तरह अगर आप इक्वेलिटी से चलेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसी कोई ट्रेट नहीं है जो विमेन को ना आए या फिर जो मेल को ना आए। जो हम बदलाव देखते हैं बच्ची जो फीमेल चाइल्ड है 10 या 12 साल की या मेल है उसके रवैये में, वो इसलिए होता है क्योंकि बचपन से ही फीमेल्स को सॉफ्टर टॉयज दिए जा रहे हैं, उनको जो कल्चरल ट्रेडिशनल एक्टिविटीज हैं उसमें पार्ट लिया लेने दिया जाता है। मेल्स को बोला जाता है कि नहीं तुम तो लड़के हो, तुम इस गुड़िया से नहीं खेल सकते हो, घर का काम लड़कों को नहीं करना है। ये कहने में तो बहुत रूढ़िवादी लगेगा बट ये आज भी बहुत प्रिविलेंट है, बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है। कितने लोगों के में फादर हैं जो किचन में जाके खाना बनाते हैं, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर नोशन को एक्सेप्ट कर लिया है जिसमें एक्स रोल फीमेल का है और वाई रोल जो है वो मेल का है। तो जब तक हम इन अपने जेंडर को रोल से सेग्रीगेट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्कीम, कोई भी सरकार की चीज है वो इतना इम्पैक्ट नहीं ला पाएगी जितना इम्पैक्ट ये परवरिश ला पाएगा। सबसे चीज पहले है कि हम ये अपने रंग बिरंगे चश्मे हटाएं और एक न्यूट्रल चश्मा रखें जिससे हम एक इंसान को परखें, हम आदमी औरत को अलग अलग नाक परखें। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जब मैं छोटी थी तब मेरी एक दोस्त के एक भाई था, वो भाई उससे छोटा था, तो जब बाहर जाया जाता था तो उसकी मदर भाई को भेजती थी कि 13 साल की बेटी है, 8 साल का भाई साथ में जा रहा है कि दीदी के साथ। तो इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब ऑफ कोर्स फिजिकल एबिलिटी तो उसमें इतनी है नहीं कि कल को अगर कुछ भी होता है, गिरती है, अटैक होता है, एक्सीडेंट होता है तो बच्चा बचा पाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो उस बच्ची को दिया गया कि तुमसे छोटा भाई है बट ये तुम्हारी रक्षा करेगा, और वो छोटे बच्चे को ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दिया गया कि तुम दीदी से छोटे हो फिर भी तुम दीदी की रक्षा कर सकते हो। ये जो उस पर्टिकुलर एज में डाल दिया गया, बहुत समय लेगी कोई भी स्कीम या सरकार की पहल इस सोच को निकालने के लिए। तो सबसे पहले इस सोच को निकालना है, और जब तक ये सोच निकल जाएगी हम बच्चों को सिर्फ बच्चा ही समझेंगे और उनके कामों पे, उनके अच्छे बुरों को हम डिसाइड करेंगे, उनके स्किल्स पे, कि अगर किसी लड़के का फैशन में इंटरेस्ट है तो उसको फैशन में जाने दें, या लड़की का बिजनेस में इंटरेस्ट है तो उसको बिजनेस में जाने दें। जिस दिन ये हो जाएगा आई थिंक कोई भी स्कीम, सरकार, नीति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली चीज तो वो है, जब वो सिस्टम में दिक्कत है तब सरकार की नीतियों की हमें जरूरत पड़ती है, और जब कोई बदलाव बाहर से होता है तो उसमें विरोध भी होता है। विरोध होता है कि सरकार ने बोला कि एडमिशन लेंगे बट बहुत सारी फैमिलीज हैं जो अलाउड नहीं करेंगी। ये विरोध तब नहीं होता जब ये चेंज, ये बदलाव घर से होता, जब ये बदलाव समाज से होता। तो मेरी गुंजाइश सारे परिवार परिवार से, पेरेंट्स से है कि आप परवरिश पे ध्यान दें। आप बेटी बचाओ की जरूरत नहीं होती अगर आप बेटे को पढ़ाओ और बेटे को समझाओ भी करें तो सबसे पहले ये जरूरत है। दूसरा, फीमेल्स का इन सब सेक्टर में आने से परिवर्तन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपनी ही कंपनी का दूंगी। जब मैं बीएसएफ में एज एन ऑफिसर मैंने एंट्री ली तो मैं फर्स्ट फीमेल ऑफिसर थी जो कमांडर थी, जिसके अंडर 137 लोग थे। तो यूजुअली फौज में ट्रेंड क्या होता है, जब आप ड्यूटी से वापस आ रहे हैं जा रहे हैं तो अपने मतलब इनफॉर्मल ड्रेसेस में, बनियान में सिपाही घूमते हैं, फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीजें बहुत कॉमन होती है और इनको मस्कुलिन माना जाता है कि अगर आप 2-3 मुंह से गालियां निकाल दें तो इसमें क्या गलत है, मतलब ये तो आम बोलचाल की भाषा है। जब मैं कंपनी कमांड करने गई तो मैं बोलूंगी कि मेरी कंपनी बीएसएफ की सबसे जेंडर सेंसिटिव कंपनी थी, क्योंकि उनको पता था कि मैडम कभी भी किसी भी समय घूमती मिल सकती है। तो हर जवान अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में होता था, कोई
कोई भी आपको बनियान या टॉवल में नहीं मिलेगा, कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए नहीं मिलता था, क्योंकि पता था कि मैडम सुन लेंगी तो पनिशमेंट मिलेगा। और एक जो चेंज की बात है, एक्सेप्टेबिलिटी की बात है, तो आज मैं इस चीज को बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि जब आप में प्रोफेशनल नॉलेज हो, लोग मुझे पूछते थे कि आपको कमांड करने में दिक्कत तो नहीं आती बीइंग ए फीमेल, तो मैं आई ऑलवेज यूज टू से कि आपके अंडर कमांड आपके जो शोल्डर्स हैं उसकी रैंक को देखते हैं, वो आपको अनुजी भी बता पाएंगे अपने एक्सपीरियंस से, वो ये नहीं देखते हैं आप फीमेल है या मैम है, वहाँ मैडम सर का कंसेप्ट जो हुआ है वो ये देखते हैं कि इनमें नॉलेज कितना है, इनमें समझ कितनी है, आपके कंधे पे कितने तारे हैं, और वो उससे आपको आंकते हैं। आज का वो समय आ चुका है, तो उस पर्टिकुलर चीज में फीमेल की एग्जिस्टेंस, फीमेल जिस भी डिपार्टमेंट में है वो डिपार्टमेंट जेंडर न्यूट्रल डिपार्टमेंट होता है, उसकी पॉलिसीज बनती हैं वो जेंडर न्यूट्रल होती हैं, और जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज, जेंडर न्यूट्रल नीतियाँ ना तो सिर्फ सरकार को बल्कि समाज के लिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, जिससे कि वो ही एक बेहतर कल का निर्माण हो, एक बेहतर बच्चे की परवरिश हो। और दूसरा है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सीआरपीएफ में जहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट होता है इंटरनल, या फिर हम महिला थानों की बात करते हैं, तो फीमेल तब तक अपफ्रंट में नहीं होके आती है, तब तक अपनी चीजें नहीं बता पाती हैं जब तक उनको अपने ही कोई जैसी यूनिफॉर्म में खड़ी ना मिले। मतलब जिस जेंडर के लिए उसको, उसके लिए आवेग है, जिसके जिसके अगेंस्ट उसको कंप्लेन करनी है, वही जेंडर एक यूनिफॉर्म पहन के उसकी कंप्लेन लिखने खड़ा होता है, तो उसको विश्वास की कमी होती है। यही जब फीमेल्स आती हैं इस फील्ड में, तो जो पॉपुलेशन है हमारी आधी आबादी, तो बॉर्डर पे हम डिप्लॉयड हैं, तो बॉर्डर एरिया जो पंजाब बंगाल की जगह हैं, तो एक तो हम फीमेल क्राउड, चाहे वो फीमेल स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो, चाहे वो फीमेल हेल्पफुल हो, उनको मैनेज करने में काफ़ी हेल्प होती है। दूसरा, हम क्राइम, जो क्राइम फीमेल्स के द्वारा करवाया जाता है बॉर्डरिंग एरिया में, बाकी जगह भी, कि फीमेल की चेकिंग कम होती है, फीमेल से ज़्यादा सवाल नहीं किए जाते हैं, उस क्राइम को भी अब एड्रेस करते हैं, क्योंकि अगर फीमेल एंटी क्राइम ऑपरेशंस में है तो वो पर्टिकुलर उस रॉन्ग डूइंग को भी एड्रेस करती हैं। तो हर जगह, लेट इट बी यूनिफॉर्म फोर्सेस हो चाहे वो बिजनेस हो, फीमेल की इक्वल पार्टिसिपेशन से जो अदर फीमेल हैं जो कि इस क्राउड का पार्ट नहीं है, वो मोटिवेट होती हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी प्रॉब्लम एड्रेस करने का, और हाँ साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ों को लेके हमारे समाज में जो है वो पूर्वाग्रह मौजूद हैं, टैबू इश्यूज हैं। और जैसे कि मैं राजस्थान से आता हूँ और तनुश्री मैम भी शायद राजस्थान से बिलोंग करती है, और कल ही हम देख रहे थे कि एक स्कूल, एक विद्यालय के अंदर एक दलित छात्र को केवल पीने के पानी की वजह से जो है वो मौत के घाट है उतार दिया गया। तो इसी प्रकार के जैसे कि मैम ने कहा कि आज़ादी जो है वो किसी एक बलिदान से या किसी एक दिन से या एक तारीख से, कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी प्राप्त हो गई, उससे आज़ादी नहीं प्राप्त होती है, बल्कि आज़ादी को सस्टेन करने के लिए हर दिन हर पहर हमें आज़ादी को कहीं ना कहीं जीना पड़ता है। और इसके अलावा मैम आपने जो सबसे महत्वपूर्ण एक बात रखी कि सबका बराबर कंट्रीब्यूशन वो देश के निर्माण में है, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो मजदूर हो, या फिर कोई वो बिजनेस पर्सन हो, हर कोई अगर अपनी पूरी शिद्दत से अपना काम करे और देश के निर्माण में अगर भागीदारी पेश करे तो निश्चित रूप से हर किसी की भूमिका जो है वो ज़रूरी है, कोई भी कमतर नहीं है। हालांकि आजकल हम मीडिया के तमाम डिबेट और वहाँ पे हमारे सामने ऐसा देखने को आता है कि किसी एक या दो भूमिका को ही सर्वोपरि मान लिया जाता है, लेकिन मैम को आज सुन के हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जोर दे के इस बात को कहा कि सभी लोग जो है मजदूर से लेके सिपाही तक, और इवन मैम ने एड्रेस किया कि जो नए नए इनिशिएटिव जो ला रहे हैं, जो नीव जो है या IDYM जो है, अच्छा, टुगेदर वी ड्रीम जो है, ये लोग भी जो काम कर रहे हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और मायने रखता है। नहीं अभी जिस प्रकार से मैम ने अपने विचार रखे तो बड़े ही इंस्पायरिंग थे, और मेरा मन तो कर रहा है कि मैम से सवाल लगातार पूछता ही रहूं, लेकिन अपनी समय सीमा की एक मर्यादा है,
और इससे इंस्पायर हो के आगे भी हम कई वेबिनार आयोजित करते रहेंगे, और मैम को भी उसमें दोबारा भी बुलाने की कोशिश की जाएगी, और अब हम तब और खुल के हम बात करेंगे। तो इसी के साथ मैं तनुश्री मैम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और इस कड़ी को और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं आईआईटी दिल्ली के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे और आईआईटी एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे श्री अतुल बाल सर को आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पे कि वो अपने विचार रखें। और जैसा कि मैंने सुना है अतुल सर के बारे में कि लगातार वो सामाजिक पहलुओं में निरंतर सक्रिय रहते हैं, और साथ में मेरे को यह भी सुनने में आया, और सर प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि भगत सिंह को लेके भी सर एक व्यवस्थित पाठक हैं और उनको लेके भी इवेंट में भागीदारी करते रहते हैं। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि समग्र तरीके से अपनी बातचीत हमारे सामने रखें, और भगत सिंह के जीवन के बारे में भी, उनकी लाइफ स्किल के बारे में भी हमें अवगत कराएं। अतुल बाल सर, मंच आपका है, आपका बहुत बहुत स्वागत। अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मुझे माफी देना, मैं थोड़ा सा ना पिछले 2 दिनों से हमारी प्रभात फेरी चल रही थी, और उस प्रभात फेरी में हमारे नारे लग रहे थे बड़े जबरदस्त। तो उन नारों में मेरे को ये लगता है लैरिंजाइटिस शायद हो गया, मेरी वोकल कॉर्ड थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई है, तो मेरी आवाज जो है वो बीच बीच में थोड़ा सा लड़खड़ा रही है। बट वो आवाज लड़खड़ाने का मतलब ये नहीं कि मेरे भाव लड़खड़ा रहे हैं। नहीं नहीं सर, मैं तो समझता हूँ कि इससे आपकी उससे आवाज़ और रूहानी हो गई है। उससे भी पहले मैं धन्यवाद दूंगा उपदेश का। उपदेश अपने आप में बहुत बढ़िया, एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक कार्यक्रम पूरे एक सुनियोजित ढंग से कर रहे हैं, इनफैक्ट ग्रास रूट लेवल पे। और बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी सोच के साथ ऐसे बढ़ते हैं। इनफैक्ट 2018 में जब उपदेश मेरे पास आए और कहते हैं कि कुछ इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, तो इनको मैंने बोला कि आप ना एक 2 पेज का ना कॉन्सेप्ट नोट बनाओ। इन्होंने कॉन्सेप्ट नोट बना के 15 दिन बाद जब सामने रखा, तो हमारी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है करीब, उसमें उस समय 15 लोग बैठे थे। जब इन्होंने कॉन्सेप्ट नोट पढ़ा तो मुझे जहाँ तक याद है, उपदेश आप करेक्ट करना, सभी ने उसी समय बोला कि यस वी विल डू दिस, हम ये काम करेंगे। और उसी समय नींव की स्थापना कॉन्सेप्ट रूप में भी, बाद में तो औपचारिक रूप में और बहुत कुछ हुआ। एक तो दूसरी बात जो अभी इमीडिएटली करना चाहूँगा, तनुश्री मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, और आप मेरी बेटी के शायद उम्र की हैं, और बहुत अच्छा आप बोले हैं, और आप अगर अच्छा बोले हैं तो इसका मतलब आपके भाव बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस तनु। एंड मेरा अपना जो रोल है, आपने कहा समाज सेवा और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, वो ये है कि मेरा पहला सुझाव सभी बच्चों को और पेरेंट्स के लिए कि फ्रीडम फाइटर्स की बुक्स आती हैं, उन बुक्स को आप खरीदो या आप सब्सक्राइब करो सोशल मीडिया में, और अपने बच्चों को बोलो कि उनके बारे में वो पढ़ें। दूसरी बात, अब उसमें ऐसा क्या पढ़ने लायक है क्या? भाई भगत सिंह अपना उन्होंने काम किया, कोर्ट कोर्ट में उन्होंने बड़ी अच्छी एक प्रेजेंटेशन दी, और उसके बाद 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए। अब क्या करना है? अब चढ़ गए फांसी, उसके बाद आज़ादी मिल गई, अब में हमने क्या करना है उसका? तो ये जो सोच है, ये जो समझ है, ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी बच्चे में, कि क्या वो भगत सिंह की फांसी 1931 में जब हुई और आज 2022 में क्या उसकी कोई रेलिवेंस है, क्या कोई उसकी औचित्य है, ये उसको पढ़ने पे पता चलेगा। मैं शायद 2-4 शब्द बोलूंगा तो इतना प्रभाव नहीं आएगा, वो भगत सिंह के बारे में जब पढ़ेगा तब पता चलेगा। अच्छा, भगत सिंह जैसे इस तरह के सैकड़ों क्रांतिकारी जो थे, चाहे उसमें चंद्रशेखर आजाद का नाम बहुत अग्रिम श्रेणी में आता है, अशफाक उल्ला खान थे, आपके राम राम प्रसाद बिस्मिल थे,
ये जो श्रेणी के सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने अपनी जान दी, अभी तनुश्री ने बताया उनकी एक यूनिट के एक जांबाज से सिपाही ने अपनी शहादत दी और हम उनको नमन करते हैं। बहुत ही यंग एज में, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, मुझे इस न्यूज़ का याद है 2019 के आसपास शायद ये घटना है शायद, तो हमारा श्रद्धांजलि उनको उनको नमन। अब इनकी शहादत और सन 1931 में, सन 1929 में काकोरी के बाद जो हुआ, इन सब शहीदों की शहादत और फिर उसके बाद महात्मा गांधी का आंदोलन, जन आंदोलन, उस जन आंदोलन के अंदर अनसंग हीरो ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी शहादत दी लेकिन उनके बारे में लोग कोई नहीं जानता और ना ही उनके बारे में कुछ लिखा भी गया, तो शायद आप जान भी ना पाए। ऐसे हजारों, इवन मेरा ये कहना है कि शायद हर घर में इस कहानी को लिखा गया, गांधी जन आंदोलन आजादी के 26,000 जो INA के सिपाही जिन्होंने अपनी शहादत दी, 26,000 कुछ छोटा नंबर नहीं है, 26,000 वो जांबाज सिपाही थे जिन्होंने भारत को एक संगठित रूप से आर्म स्ट्रगल संघर्ष किया बंदूक उठा के, संगठित रूप से। आपको बता रहे हैं नेताजी ने जब आगाज किया एक स्वतंत्र भारत के रूप में तो 9 देश ऐसे थे जिन्होंने उनकी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज किया, उनकी गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि ये औपचारिक रूप से इनके साथ हम बात करेंगे अगर हम कोई भारत के बारे में बात करना चाहते हैं। तो ये उन 26,000 नौ नौजवान और जांबाज सिपाही थे जिनकी शहादत के कारण एक ऐसा रुतबा भी आया और आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आज़ादी हमें मिली किन से मिली, नेताजी से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, महात्मा गांधी से या भगत सिंह की सोच से। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि इन तीनों की अपनी अपनी जगह कैसे बनाई इन तीनों ने इस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर। ये मैं इनको तीन स्कूल ऑफ थॉट्स कहता हूँ। एक तो स्कूल ऑफ थॉट हो गया आपका भगत सिंह का, जैसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज, क्रांतिकारी विचार, वो क्या है? अभी इन्होंने तनुश्री ने भी बात की आइडिया की, ये अनिल आप भी बात कर रहे थे आइडिया की, तो आइडिया है क्या? इनफैक्ट जब उपदेश जब मेरे से मिले नींव के बारे में तो एक आइडिया था और आइडिया को जमीनी तौर पे उसको साकार बनाने में जो मशक्कत करनी है वो तो आपने करनी है, लेकिन पहले अपना आइडिया तो बनाओ, अपने जीवन में क्या काम करना है, क्या जाना है, क्या आगे बढ़ना है, उसके बारे में आइडिया बनाओ। यही आइडिया बनाया उन क्रांतिकारियों ने, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया। इट वॉज द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन फ्रीडम। सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट वॉज ऑफकोर्स जो आपके जन आंदोलन के बारे में बात कर रहा था, इट्स अ मैसिव पीपल्स मूवमेंट, इट्स नॉट अ मास, इट्स अ मैसिव पीपल्स मूवमेंट, फ्लैश मूवमेंट। महात्मा गांधी 600 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 600 गांधी खड़े हुए, वो गांधी खड़े होके जब कहते हैं कि आज जैसे करीब 10 साल पहले एक अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें भी लोगों ने कहना शुरू किया था मैं अन्ना हूँ, तो वो 600 गांधी खड़े होकर कहते हैं मैं गांधी हूँ, और उस सत्य के प्रहार से और असहयोग के बिगुल से जो उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया बिना हथियार, वो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट था, नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंट, ट्रुथफुल रेजिस्टेंस। तीसरा स्कूल ऑफ थॉट जो था जिसने हमारे देश की आज़ादी में बहुत ही अहम भूमिका अपनाई वो थी आर्म स्ट्रगल, जो भी मैंने बात की सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 26,000 लोग उसमें मारे गए, 26,000 परिवार उसमें अस्त व्यस्त। तो इस तीन स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में बच्चे पढ़े और इनके बारे में जरूर जाने कि इनकी आज़ादी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन थी, इनकी आज़ादी के अंदर जो इनकी स्ट्रगल थी, जो रेजिस्टेंस इन्होंने सामने रखी, वो आज जब हम बात करते हैं तो आज के संदर्भ में कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कौन सी ऐसे
सामने असमंजस होने वाली स्थितियां हैं जिनके खिलाफ उनको रजिस्ट करना है, जिनके खिलाफ उनको आवाज उठानी है। अब आवाज आवाज उठाने के ऊपर तो मेरे को वो एक और ध्यान में आई भगत सिंह का था कि क्योंकि डेमोक्रेसी की बात बहुत ज़्यादा उससे उठी, आज़ादी से, आज़ादी के पहले दिन से ही उठी वो थी। तो भगत सिंह का ही कहना था कि मर्सीलेस क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, दीज आर द टू नेसेसरी ट्रेट्स ऑफ रेवोल्यूशनरी थिंकिंग। मैं पहले स्कूल ऑफ थॉट्स की बात कर रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि यू कैन किल मी बट यू कॉन्ट किल माई आइडियाज। जब उपदेश आए उन्होंने कहा कि ठीक है आप मेरी बात मत मानो लेकिन मेरा आइडिया नहीं आप खराब कर सकते, मेरे आइडिया को किल नहीं कर सकते, वो शेप लेगा और नीम के रूप उसने शेप ली। फिर वो कहते हैं कि जो बहुत अहम जो गांधीयन डॉक्ट्राइन के अंदर था कि जो सैंक्टिटी ऑफ लॉ, ये सब पढ़ने वाली बातें हैं, जो सैंक्टिटी ऑफ लॉ है इट कैन ओनली बी सस्टेन्ड, इट कैन ओनली बी मेंटेन्ड एंड सस्टेन्ड इफ देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विल ऑफ द पीपल। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ये सेकेंड ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स ने जो महात्मा गांधी के जन आंदोलन में प्रेरित किया डेमोक्रेसी के लिए। तो थर्ड स्कूल ऑफ थॉट ने क्या प्रेरित किया था, जब उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब सेक्रीफाइस। अब वो सेक्रीफाइस किस लेवल पे करना है आपने, आज किसके लिए करना है, किस व्यवस्था के खिलाफ करना है और किस व्यवस्था के हक में करना है, वो आपको खुद तय करना पड़ेगा, वो आपको खुद पढ़ के समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया में पढ़ो ना, किताबें नहीं पढ़ने की आदत मत पढ़ो, सोशल मीडिया में पढ़ो, बहुत कुछ लिखा है भगत सिंह, गांधी, नेताजी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, नेहरू। नेहरू को इग्नोर नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट इग्नोर हिम बीइंग फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री फॉर 17 इयर्स, यू कैन नॉट इग्नोर हिम। तो क्या था वो डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स, क्या रखे सामने पर, ये स्वतंत्रता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में आप समझो और आज के संदर्भ में उसको अपनाओ, यही खास तौर पे मेरा कहना है। और महिलाओं का कंट्रीब्यूशन आज़ादी के आंदोलन में मैं स्पेसिफाई भी करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, चाहे वो गांधी के साथ कस्तूरबा गांधी थी, चाहे वो भगत सिंह के साथ दुर्गा भाभी थी, चाहे वो 1857 में रानी लक्ष्मीबाई थी, बहुत कंट्रीब्यूशन के लिए, बहुत ज़्यादा इन्होंने एक भाव आपके सामने रखे कि आज़ादी का मतलब क्या है, दीवाने कौन। भगत सिंह कहता है कि मैं तो जी जा रहा हूँ, माँ ने कहा कि शादी कर ले, मैं तो मेरी शादी तो हो गई है, कहता किससे हुई है तेरी शादी, तो मेरी शादी तो मेरे मकसद से हो गई है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादी मत करो, लेकिन उसके भाव को समझो, उसके सेक्रीफाइस को समझो। जब उसने कहा कि मेरी शादी तो मेरे मकसद से हो गई है और मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है मेरे को अपने देश और अपने समाज और अपने आइडियाज के लिए अपनी शहादत देना, यही मकसद भगत सिंह का, यही मकसद गांधी का था और यही मकसद नेताजी का था। आप पढ़ो, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू अनिल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने जो इतनी सार्थक चर्चा इस पर रखी उसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आपने जो सबसे बड़ी बात जो एक रीडिंग हैबिट को लेके की, जिसमें भगत सिंह का रेफरेंस देके आपने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो उनको पढ़ना है, उनके जीवन को पढ़ना, उन्होंने क्या लिखा है, तभी हम उनके जीवन के जो दर्शन है उसको लेके कहीं ना कहीं परिचित हो पाएँ, और वही सबसे मुकम्मल रास्ता भी है आज़ादी को सस्टेन करने का भी और देश निर्माण में योगदान देने का भी। तो इसमें जैसे कि मेरे को जैसे पता चला कि आप भगत सिंह के रीडर हैं, तो मैंने भी थोड़ा पहले से, हालांकि मैं पाठक रहा हूँ भगत सिंह का, और कल भी मैंने पढ़ने की कोशिश की, तो थोड़ा कुछ मैं बताना चाहूँगा इसमें कि एक तो भगत सिंह रीडर्स करके एक बुक है जिसको आदरणीय चमनलाल जी ने एडिटेड किया है, उसके अलावा भगत सिंह की जेल की डायरी से उन्होंने जो खत लिखे उनका भी एक मुकम्मल आपको पुस्तक मिल जाएगा, और उसके बाद में उनके लेख अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो युवक नाम से उनका एक लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूँ इस नाम से भी उनका लेख है जो कि आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा पिलर जो सर ने बात की गांधी की,
तो उसमें मैं आपको जरूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि गांधी एक असंभव संभावना, सुधीर चंद्र जी की ये एक बुक है, बड़ी शानदार किताब है, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा हिंद स्वराज जो गांधी जी ने लिखी है, वो तो निश्चित रूप से हमारी बुक सेल्फ में होना ही चाहिए। और इसी में सर मैं चाह तो रहा था कि बीच में एक शायरी पेश करूं, लेकिन सर ने भगत सिंह का जब जिक्र किया तो मैं उनका जो युवक नामक जो लेख है उसी की चार पंक्तियां आपको उद्धृत करना चाहूंगा, जिसमें वो डिफाइन करते हैं कि आखिर युवावस्था क्या है। तो आई कोट, मदांध मातंग की तरह निरंकुश, वर्षा कालीन स्वर्ण भद्र की तरह दुर्दर्श, प्रलय कालीन प्रबल प्रभंजन की तरह प्रचंड, नवागत वसंत की प्रथम मलिका कलिका की तरह कोमल, ज्वालामुखी की तरह उच्छृंखल और भैरवी संगीत की तरह मधुर है युवावस्था। तो अगर ये भगत सिंह ने लिखा है तो भगत सिंह की इस भाषा को अगर देखा जाए कि कितनी प्रांजल भाषा है, और ये लेख जो है वो अनिल, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये भगत सिंह का एक एस्से था जी सर, जी जो सर उन्होंने युवा का नाम सर, 14-15 साल की उम्र में लिखा था। जी सर ये और उन्नीस अच्छा सौ जी सर जी, हाँ जी सर ये साप्ताहिक मतवाला में वर्ष दो अंक संख्या 36, 16 मई 1925 बलवंत सिंह के नाम से उन्होंने छपवाया था, क्योंकि अपना नाम उस टाइम पे शो नहीं किया जाता था अनेक सिंह के कारणों नाम से। पे, यस, जी जी जो जी उन्होंने फिलोसफी ऑफ बम भी लिखा था वो भी बलवंत सिंह के नाम से लिखा हाँ था। जी जी सर बिल्कुल। तो मैं जो कह रहा हूँ कि एक 18 साल का लड़का और उसकी ऐसी प्रांजल भाषा, उसी से ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने जबरदस्त रीडर रहे हुए हैं। तो भगत सिंह से सबसे ज्यादा अगर सीखा जाना चाहिए लाइफ स्किल के तौर पे, तो मैं समझता हूँ कि वो रीडिंग हैबिट हमें सीखनी चाहिए, पेरेंट को भी, टीचर्स को भी और बच्चों को भी, कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। और हम सर से भी बाद में ये चाहेंगे कि भगत सिंह और तीनों पिलर, उन्होंने जो बात की सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी, उनसे संबंधित और भी तमाम पुस्तकें जो हैं वो सर हमें सुझाएं, और आगे हम जो बच्चे जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे जुड़े हैं उनके साथ भी उनको साझा करेंगे, ताकि उनका ये रीडिंग वाला रास्ता थोड़ा जो है वो आसान हो जाए। और सर मैं सवाल तो आप ही मतलब आपसे भी काफ़ी सारे पूछना चाहता था, लेकिन जैसा कि मेरे को आदेश है और वक्त की बेड़ियों की मैं भारी जकड़न महसूस कर रहा हूँ, तो उसी संदर्भ में मैं चाहूँगा कि सवाल जो है वो एक साथ ही अगर समय रहेगा तो हम ले लेंगे। तो फिर मैं इस कड़ी में अगर आप मेरे को इजाज़त देंगे तो हमारे जो अगले जो आदरणीय स्पीकर हैं अनु मैम, अनु बेनीवाल मैम, जो कि हिंदू आइट भी रही है और मतलब हिंदू कॉलेज से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है एक लंबे अरसे तक, और अभी उन्होंने यूपीएससी सीएससी 2021 के अंदर एग्ज़ाम है वो क्रैक किया है और आईपीएस के तौर पे वो चयनित हुई है। तो उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा इस चर्चा में इन्हीं दो पंक्तियों के साथ, कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो इसी भाव के साथ मैं अनु मैम को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। अनु मैम, मंच आपका है, आप प्लीज़ आपके विचारों से हमें जो है वो लाभान्वित करें। मैम आपकी आवाज़ शायद नहीं आ रही है, अनम्यूट आप कर लीजिए अपना। अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी मैम बिल्कुल आ रही है, ओके स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत नमस्कार सबको और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अनिल जी को, जिन्होंने मेरा परिचय इतने अच्छे से दिया है। शायद इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूं मैं जितना आपने परिचय दे दिया मेरा, पर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे से पहले अतुल जी ने और तनुश्री जी ने काफी कुछ कह दिया है और बहुत ही सुंदर शब्दों में सारी बातें कह दी हैं, तो थोड़े से विचार मैं भी अपने यहाँ पे रखना चाहूंगी। जो ये टाइटल हमें दिया गया है आज बोलने के लिए, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो जब मुझे टाइटल मिला ना तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, और कुछ देर के लिए मैं ऐसे थी कि जब हम ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा है। 1.3 बिलियन की जनसंख्या है हमारी और सपने बहुत ऊंचे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है, और जहाँ 70% आबादी हमारी रूरल से आती है, गांव से आती है, तो बहुत ही खूबसूरत सपने हैं। और बात करते हैं फ्रीडम फाइटर्स की,
तो किस फ्रीडम फाइटर के ऊपर मैं बोलूं? इतने फ्रीडम फाइटर्स हैं 1857 से पहले और 1857 के बाद में और 1947 तक और उसके बियॉन्ड भी, जिन्होंने भारत का सपना देखा, भारत बनाया और उसके बाद उसके संविधान का निर्माण करते हुए यहाँ तक लाए। तो आप चाह के भी उसमें से एक या दो उठा ही नहीं सकते उनके बारे में बोलने के लिए, इतने खूबसूरत चीजें हैं हमारे भारत में। पर फिर भी अगर मैं कुछ चूज करूंगा और कुछ बोलना चाहूँ तो दो तीन चीजें जो हैं मुझे लगती है जो मुझे बोलनी चाहिए। पहली बात, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स में थी और जो हमारे भारत में है और हमें इसको और बड़ा करना चाहिए, वो है सपना। सपना देखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जहाँ पे आपके फाउंडेशन का नाम ही नींव है, तो वो जो नींव रखी जाती है ना, वो सपना है। तो जितना खूबसूरत, जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी ही खूबसूरत मंजिल होगी और उतना ही खूबसूरत आपका मकसद होता है, जैसे अतुल जी ने बताया था अभी। तो उस मकसद को पूरा करने के लिए भी वो सपना तो चाहिए, ताकि आप उस मंजिल तक पहुंच पाए। और हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे फोर फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने वो सपने देखे थे बड़े बड़े। और जैसे कि मिस्टर अब्दुल कलाम जी कहते थे कि ड्रीम्स को अगर रियलिटी में तब्दील करना है तो उससे पहले ड्रीम्स देखने तो पड़ेंगे, उससे पहले वो सोचने तो पड़ेंगे। और जब हम सपने की बात करते हैं ना, तो सपना हर कोई देख सकता है। उसकी कोई पहचान नहीं है कि मैं गांव से हूँ या मैं शहर से हूँ, मैं मेरी ये जेंडर आइडेंटिटी है, मैं महिला हूँ, मैं इस समुदाय से आता हूँ, मेरी ये कास्ट है, तो मैं इतना बड़ा सपना नहीं देख सकता या नहीं देख सकती। वो एक थोड़ी गलत चीज है। तो सपने देखने की फ्रीडम सबके पास है और वो स्वतंत्रता दिवस से पहले भी थी और आने के बाद भी है। तो सपना देखिए, हर एक बच्चा, बूढ़ा, नारी, कोई भी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, जहां से भी है ना, आप सपना जरूर देखिए। और जब हम सपना देखने की बात करते हैं ना, तो मुझे एक फ्रीडम फाइटर याद आती है जिन्होंने भारत में एजुकेशन, पढ़ाई की नींव रखी थी, और वो हैं आपकी सावित्री बाई फूले जी। तो सावित्री बाई फूले जी, काफी लोगों ने उनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। शायद इतने अच्छे से हम फ्रीडम फाइटर्स में उनकी गिनती नहीं करते हैं, पर मेरे हिसाब से वो बहुत ही बड़ी सोशल रिफॉर्मर थी। जहाँ पे आप ये देखिए कि एजुकेशन, जब उस टाइम पे एक ऐसी चीज होती थी कि मतलब बहुत ही गिने चुने लोगों को एजुकेशन नसीब होता था, उस समय में सावित्री बाई फूले ने हर एक चीज के बियॉन्ड जाके काम किया था। वो चाइल्ड ब्राइड थी, बहुत ही छोटी उम्र में उनका विवाह हो गया था ज्योतिबा फूले से। उसके बाद मतलब शायद 10 या 12 साल की उनकी उम्र थी जब उनका विवाह हुआ था। उसके बाद ज्योतिबा फूले जी ने उनको पढ़ाया था और महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना एक स्कूल खोल लिया था जिसमें 150 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते थे। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वहां पे एक समुदाय से बच्चे नहीं आते थे, वहां पे महिलाएं थी, वहां मुस्लिम महिलाएं थी, वहां पे वो महिलाएं थी जो कि विधवा हो चुकी थी फिर भी पढ़ती थी, वहां पे चाइल्ड ब्राइड्स थी, वहां पे हर रिलीजन, हर कास्ट से बच्चे आते थे। और सावित्री बाई फूले को बहुत लोगों ने बहुत सताया था इस चीज के लिए कि आप ये कैसे कर सकती हैं, इस समुदाय, इस कास्ट को, इस तबके के लोगों को आप कैसे पढ़ाई का मौका दे सकती हैं। फिर भी वो खड़ी हुई, उन्होंने वो स्टैंड लिया और उन्होंने बहुत बहुत लोगों को शिक्षा दी और शिक्षा देने के लिए मोटिवेट किया। और वो जो चेन बनती है ना एजुकेशन की, वो जो नींव रखी जाती है, वो बहुत जरूरी है। तो एक मुझे जो याद आई वो सावित्री बाई फूले जी हैं। उसके बाद जो मेरा दूसरा रहता है, सपना मेरा पहला पॉइंट था जो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज जो है ना, वो मैं बात करूंगी क्यूरोसिटी की। क्यूरोसिटी जो है कि भाई आप में जानने की इच्छा, आप क्वेश्चन कर सकें चीजों को। जैसे कि जहाँ पे तनुश्री मैडम बता रही थी कि भाई नीला चश्मा और गुलाबी चश्मा बना दिया जाता है, तो जब आप में वो क्वेश्चन करने की एबिलिटी होती है ना कि ऐसा क्यों, एक बार वो आवाज उठाएंगे ना आपकी, ऐसा क्यों कि भाई जैसे लड़कियों के साथ हमारी समाज में आज भी ये जनरली किया जाता है, और पहले तो बहुत ही किया जाता था। और मैं भी उसी चीज से गुजरी हूँ कि हमें सरनेम्स नहीं मिलते। हमारा नाम होता है अनु होता है, और उसके पीछे कुमारी, सिंह, चौधरी, बाला, लता, ये लगा दिए जाते हैं कि भाई आपको तो सरनेम आपके अगले परिवार में मिलेगा जब आपकी शादी हो जाएगी। तो
इसके खिलाफ मेरी माँ ने एक दिन स्टैंड लिया था, जब महज मैं 4 या 5 साल की थी, जब मेरा स्कूल में एडमिशन हो रहा था, तो मेरी माँ ने ये आवाज उठाई थी। तो मैंने उस दिन ये देखा था कि इतनी छोटी सी चीज के लिए भी आपको आवाज उठानी पड़ती है, उसके लिए लड़ाई करनी पड़ती है, और लोग आपको ये चीज देने में भी इतना संकोच करते हैं। तो वो वाली जो चीज है ना, कि एक छोटी सी फाइट और आपको कहाँ तक पहुंचा सकती है, तो वो क्यूरोसिटी, वो क्वेश्चन करना कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, तो वो बहुत जरूरी है। और शायद यही क्वेश्चंस, यही क्यूरोसिटी भगत सिंह में रही होगी, जहाँ पे अतुल जी आपको बता रहे थे कि रीडिंग हैबिट डेवलप कीजिए। तो मैंने भी मैंने एक लिखा नहीं है चीज अभी ऊपर स्टार्टिंग भगत सिंह जी के बारे में सुनी थी, कि वो जब लाइब्रेरी से निकलते थे ना, तो उनकी हर जेब, चाहे वो उनके पैंट्स की पॉकेट्स होती थी या उनकी शर्ट की पॉकेट होती थी, तो वो किताबों से भरी होती थी। और बस उनका वही होता था कि जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। तो वो क्यूरोसिटी तो थी, तो वो जो जानने की इच्छा है ना, वो हम सब में बढ़ती रहनी चाहिए, वो रीडिंग हैबिट बढ़ती रहनी चाहिए, वो किसी भी उम्र में आके खत्म नहीं होनी चाहिए। चाहे आप कोई भी सोसाइटी में हैं, आप पढ़िए, आप क्यूरोसिटी रखिए, जानने की इच्छा। अगला पॉइंट जो मैं आज इस मौके पर लाना चाहती हूँ, वो है बियॉन्ड रियलिटीज। बहुत सारी सच्चाइयां हैं हमारे साथ, जेंडर की सच्चाई, कास्ट की सच्चाई, रिलीजन की सच्चाई, सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज हैं, हम सब एक ही तरीके के इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो वो सारी सच्चाइयां हैं। और जब हम उन सच्चाइयों के बियॉन्ड जाने की बात करते हैं, बियॉन्ड रियलिटीज, तो वो एक बहुत खूबसूरत मकसद बन सकता है। जैसे कि यहाँ मुझे याद आ रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी, उनका ये सपना था, ये बियॉन्ड रियलिटीज वाला। आप ये देखिए, आजाद हिंद फौज का उस टाइम पे जो उन्होंने सपना लिया था, उसमें लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी, उसमें महिलाओं की रेजिमेंट बनाई थी, तो कहाँ आजाद हिंद फौज में उन्होंने कब बना ली थी, और कहाँ तनुश्री मैडम को मौका ये अब मिला है। तो आजादी तो मिलके भी नहीं मिल पाई थी, तो असल आजादी तो मैडम ने मनाई है, और कितने लड़कियों को वो एस्पायर करेंगी आगे इसमें जाने के लिए। तो ये वाली जो चीज थी बियॉन्ड रियलिटीज, जेंडर वाली, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने हमारे लिए कंप्लीट करी। उसके बाद जब हम रिलीजन की बात करते हैं ना, तो आजाद हिंद फौज के 3 कमांडर थे, जिनको आज जहाँ लाल किले पे हमारा प्रोग्राम हुआ है सुबह, उसी लाल किले पे उनके लिए ओपन में उनका ट्रायल चला था, और उनके 3 कमांडर्स थे, प्रेम कुमार सहगल जी, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, और तीसरे थे शाहनवाज खान। तो कितना खूबसूरत था कि तीनों कमांडर जो थे हमारे 3 मेजर रिलीजन्स से थे उस टाइम पे। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें आजाद हिंद फौज की, तो उसमें ट्राइबल्स की कोई कमी नहीं थी, उसमें विलेजर्स की कोई कमी नहीं थी, और उसमें अमीर लोगों की भी कोई कमी नहीं थी, उन्होंने भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो ये वाली जो चीज थी ना, कि आजाद हिंद फौज सही में भारत को रिप्रेजेंट करती थी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, हर जगह से, हर जेंडर से, हर कास्ट से वहां पे लोग थे। तो वही चीज जो है ना, वो आज हमें लानी चाहिए कि हमारे हर स्कूल में, हर एरिया में, हर फील्ड में, हर जगह से हमारा भारत दिखे। जहाँ आर्मी में आज भी दिखता है भारत, जहाँ पगड़ियां भी होती हैं, और जहाँ मुस्लिम समुदाय से भी हैं, जहाँ पे गांव से भी हैं, वैसे ही हर फील्ड में लाए। ठीक है, जैसे मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, यूपीएससी की, तो यहाँ पे महिलाएं, कभी ऐसा होता था कि 5% 10% भी थी, जहाँ पे किरण बेदी जी को बहुत समय लग गया था पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनने में, क्योंकि यूनिफॉर्म जो है वो बोलते थे कि आदमियों की शोभा होती है, तो वो वहां से उन्होंने चेंज किया। और अब आप देखेंगे ना लिस्ट में, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से महिलाएं बढ़ी हैं यूनिफॉर्म सर्विस में, और बढ़ती रहेंगी, और हमने वो चीजें, अपनी राइट्स वहां पे मांगनी शुरू करी हैं, और वो मिल रही हैं। तो ये एक धीरे 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 हमारी आजादी तो अब आई है, तो इसी आजादी पे हमें चलना चाहिए। और आगे अगर मैं बोलूँ ना, तो एक नाम मुझे और याद आता है, कि इसके लिए धन्यवाद है मेरे यूपीएससी के सिलेबस को, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ करा दी हैं, इतनी इतनी अच्छी किताबें पढ़वा दी हैं। तो एक टीचर होते थे, उनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो, बहुत पॉपुलर नहीं है पर काफी लोगों ने शायद सुना हो, तो यंग बंगाल मूवमेंट उन्होंने शुरुआत करी थी, तो हिंदू कॉलेज में उस टाइम के कोलकाता वाले में वो प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर साहब ने एक चीज सिखा दी थी बच्चों को, क्यूरोसिटी, जानने की इच्छा, अपनी राइट्स, राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, उस समय में उनको पढ़ा दिया था, और इतनी शिद्दत से पढ़ाया था कि लोग और अंग्रेज उस टाइम पे जो
समाज के ठेकेदार बने बैठे थे, उन्होंने उनको प्रोफेसर से हटा दिया था, उनको कॉलेज बंद करवा दिया गया था उस टाइम पे। तो एक टीचर ने एक कितने सारे बच्चों के जो है सपने बदल दिए, कितने सारे बच्चों में वो शिक्षा दे दी। हालांकि उनको तो प्रोफेसर से निकाल दिया गया, कॉलेज भी बंद कर दिया गया, पर वो जो थॉट था ना, वो जो आइडिया था कि हम सपने देख सकते हैं और हम अपनी इच्छाएं बता सकते हैं और हम अपने हक की मांग कर सकते हैं, वो तो वो आइडिया छूट गया। और वो आइडिया जो है ना, वो आने वाली कितनी जनरेशन को प्रेरित कर गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो टीचर का रोल है ना समाज में, वो बहुत खूबसूरत है। और जैसे कि अब्दुल कलाम जी कहते थे कि तीन है सोसाइटी में, समाज में, जो सब कुछ बदल सकते हैं, और वो है माता, पिता और टीचर। तो टीचर जो है वहां पे, मतलब उसके पास एक एनर्मस पावर है जो एक नहीं, 100,000 और पता नहीं लाखों बच्चों की जिंदगियां बदल सकता है। शायद मैं यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से या इसके बियॉन्ड 1, 2, 3 या शायद 100,000 लोगों को मोटिवेट कर पाऊं, पर एक टीचर वो मेरे से भी बेहतर काम करेगा। हम चाहे सिविल सर्वेंट बन जाए, चाहे नेता बन जाए, चाहे कोई और बन जाए, पर टीचर की भूमिका टीचर की रहती है। वही है जो कुम्हार की तरह उस घड़े को बाहर से सपोर्ट भी देगा, अंदर से सपोर्ट भी देगा, और बाहर से थोड़ा वैसा स्वर भी देगा। तो वो जो चीज है टीचर की भूमिका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यही होगा अंत में, अगर मैं इसको समाप्त करती हूँ, कि खूब पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान को उसकी सोशल मोबिलिटी दे सकती है। आप कहाँ से भी बिलोंग करते हैं, आप बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयां छू सकते हैं, और उसके लिए सपना देखिए, खूब पढ़िए, और बियॉन्ड योर रियलिटीज, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, कोई जेंडर है, जो भी है, जिस भी समाज से आते हैं आप खूब पढ़िएगा, और पढ़ाई आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी, और अच्छे के लिए बदलेगी। मेरी जिंदगी पढ़ाई ने बदली है, मैं चाहती हूँ बाकियों की जिंदगी भी पढ़ाई बदलेगी। तो इसी के लिए, इसी के साथ मैं अपना समाप्त करती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच। शायद कुछ सवाल आप हमसे पूछना चाहेंगे, तो उसके लिए मिस्टर अनिल जी। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप कह रही थी कि आपने जैसा परिचय दिया, उतनी तो बड़ी पर्सनैलिटी मेरी नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ, क्योंकि आप भी हिंदू वाइट रही और मैं भी हिंदू कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो आपके सुन के जो इंस्पिरेशन फील हो रहा है, तो वही सबसे बड़ा है कि अगर आपसे आगे जो बड़े हैं लोग, और जिन्होंने साबित किया है, और उनके व्यक्तिगत अनुभव से, चाहे वो कितना ही छोटा हो, उससे अगर आप सीख सकते हैं, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी लर्निंग वही है। और मैम, जैसे आपने बात रखी सबसे बड़ा जो सावित्री बाई फूले को लेके, तो आपने बिल्कुल ठीक ही कहा। और एक चीज़ मैं भी संदर्भ उसमें पेश करना चाहूँगा कि उस समय में सावित्री बाई फूले जब पढ़ाने अपनी पाठशाला में जाती थी, तो आप में से काफ़ी लोगों को शायद पता होगा, बच्चों के लिए मैं बात रख रहा हूँ, कि जब वो स्कूल में पाठशाला में पढ़ाने जाती थी, तो वो अपने साथ में 2 साड़ियाँ रखती थी, एक अपने बैग में और एक जो पहन के जाती थी, क्योंकि जब वो पढ़ाने जाती थी तो समाज है उनके ऊपर गोबर फेंकता था कि तुम जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही हो, अपराध कर रही हो। तो वो क्या करती थी कि वो गोबर वाली वो जो साड़ी है, वो उसको पाठशाला में जाने के बाद में चेंज करती थी और दूसरी साड़ी पहन के फिर वो पढ़ाती थी। तो निश्चित रूप से अगर पहले शिक्षक के तौर पे अगर किसी का नाम अगर गणना है, तो सावित्री बाई फूले का नाम उसमें निश्चित रूप से पूरे सम्मान के साथ लिए जाना चाहिए। और दूसरा डायमेंशन, आपने जो कहा कि आपकी माता जी का आपने जो रेफरेंस दिया, तो सबसे पहले तो आपकी माता जी को हम वंदन करते हैं कि आपको ऐसी माता जी मिली, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो उसे मैंने देखा कि अगर हमें निर्भीक और निडर और देश प्रेम के प्रति प्रतिबद्ध एक युवा पीढ़ी और किशोरों की एक पीढ़ी अगर चाहिए, तो उससे पहले हमें उतने ही प्रतिबद्ध, निर्भीक और निडर अभिभावकों की पीढ़ी पहले तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद में बच्चों की पीढ़ी वो तैयार होगी। और इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय संदर्भ में माँ को जो ममता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अनु मैम की माता जी की तरह और सावित्री बाई फूले की तरह ममत्व से आगे बढ़ते हुए चैतन्य को की प्रतिनिधि जो माओं को आगे आना होगा, क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल को अगर हम याद करें, तो वो जब जेल में थे तो उनकी माता जी उनसे मिलने गई, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो उनकी अगर आज की हमारी माएँ होगी, तो वो अपने आंचल में छुपा लेगी और वो हर कोशिश करेगी कि मेरा बेटा बच जाए। और हमारे समाज में एक कहावत भी है कि बेटा चाहे कितना ही बड़ा कुकर्म करके आ जाए, लेकिन माँ का आंचल उसके लिए सदैव खुला रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल को उनकी माता जी ने कहा था कि
रोना नहीं है बिल्कुल भी। राजा हरिश्चंद्र ने और दधीचि जी ने अपनी हड्डियों का तक दान कर दिया था, उसी को ध्यान में रखते हुए तुम भी बलिदान दो देश के लिए। तो ऐसी माताओं की बिल्कुल जरूरत है जो केवल जन्म ही नहीं दे बल्कि जन्म के साथ में मुक्ति भी हमें दे, मुक्ति का रास्ता हमें दिखाए। और तीसरा, आपने सुभाष चंद्र बोस को लेकर जो बात की, तो उससे तो हम निश्चित उनसे तो हम निश्चित रूप से सीख सकते हैं, क्योंकि आज जहाँ पे हम एक छोटी से छोटी चीज के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, अपने वैल्यू सिस्टम को ताक पे रख देते हैं, वहीं पे बोस से हम सीख सकते हैं कि उन्होंने उस टाइम पे आईसीएस अधिकारी वो थे, उसको अपने देश के लिए उन्होंने जो है वो कुर्बान कर दिया। तो निश्चित रूप से सेक्रीफाई अगर किसी से सीखा जाता है तो सुभाष चंद्र बोस से निश्चित ही हम सीख सकते हैं। और मैम, जहाँ तक क्वेश्चन की बात है, तो क्वेश्चन क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है और बच्चे पार्टिसिपेंट हैं तो उनकी धैर्य की अपनी एक सीमा होती है, तो मैं समझता हूँ कि पहले मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा और बाद में अगर समय रहेगा तो हम सवालों पे ज़रूर आएंगे। तो अनु मैम का धन्यवाद एक बार फिर से करते हुए। और अब मैं हमारे साथ एक और पर्सनैलिटी हैं जुड़े हुए हैं जो कि ऑडियंस में हैं, डॉक्टर आयुष जाखड़ जी, जिन्होंने की जहाँ तक मेरे को जानकारी है जोधपुर एम्स से पास आउट हैं और उसके बाद में यूपीएससी सीएससी 2021 में ही उन्होंने वो भी आईपीएस के तौर पे चयनित हुए हैं और उनका बड़प्पन है कि वो ऑडियंस के तौर पे यहाँ पे भागीदारी कर रहे हैं। तो उनका हम जो है ये पूरी जो डिस्कशन हुई उसमें एक कंक्लूडिंग रिमार्क लेंगे ताकि तमाम बच्चे और जितने पार्टिसिपेंट हैं उनके बिहाफ पे आज की जो हमारी ये जो चर्चा रही वो कितनी सार्थक रही, उसके डायमेंशंस कैसी कैसी रहीं और किस तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, और आगे के लिए भी अगर कोई सुझाव हो तो वो हमें देंगे। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मंच जो है वो डॉक्टर आयुष जाखड़ जी को सौंपता हूँ कि ये कौन है कि जो यादों में चरखा कातता है, ये कौन है जो हमें आज भी बताता है वादा खुद से निभाना हमें अगर अपना, है वादा खुद से निभाना हमें अगर अपना, तो कारवां नहीं रुक पाए भूल कर अपना, और है थोड़ी दूर अभी सपनों का नगर अपना, है थोड़ी दूर अभी सपनों का नगर अपना, मुसाफिरों अभी बाकी है कुछ सफर अपना। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मंच है वो डॉक्टर आयुष जागर को सौंपता हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सर। तो सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। हमारे आज स्वतंत्रता दिवस की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और सबसे पहले फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आज हम लोगों ने जैसे कई लोगों से सुना, तनुश्री मैडम, अनु मैडम, अतुल सर, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, और इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हमें आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, और अब ऐसा समय आ गया कि 75 साल एक बहुत लंबा समय होता है। तो शायद ऐसा प्रतीत होगा कि जो आइडियल्स, जो मूल्य हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के थे, वो हो सकता है कि आज रेलेवेंट ना हो, आज उनका मूल्य हो सकता है थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन आज हमें ये सीखने को मिला कि ऐसा नहीं है। ये जो काम सावित्रीबाई फूले ने किया, जो काम जो आइडियाज उन्होंने दिए, जो आइडियाज हमें भगत सिंह ने दिए, वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। उनका कंटेक्स्ट बेशक से बदल गया है, लेकिन उन्हें हमें याद रखने की जरूरत है। और आई थिंक इसमें टीचर्स का बहुत अधिक रोल रहेगा। इनफैक्ट इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं दादा भाई नौरोजी को याद करना चाहूंगा कि हर समय की के टीचर्स के लिए एक सामने उनके सामने एक अलग चैलेंज होता है, अपने स्टूडेंट्स को एक नया आइडिया देने का उनके सामने चैलेंज होता है। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी अन ब्रिटिश रूल के नाम से, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम से, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी को दिया था कि वो अंग्रेज हुकूमत जो कि आपके देश में ये कह के राज कर रही है कि हम आपके देश को ज्यादा मॉडर्न बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो लोग आपके देश से आपकी संपदा, आपका धन वो लोग अपने देश में लेकर के जा रहे हैं, आपके देश की बढ़ती हुई गरीबी का कारण वो है। वो आइडिया कहीं ना कहीं
हमारे पूरे नेशनल स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल की नींव बना। हमें ये बात समझ में आई उस आइडिया के साथ कि हमें आज़ादी चाहिए तो वो क्यों चाहिए, ताकि हम अपने लोगों को की जो बढ़ती हुई गरीबी है उसे रोक सकें, हम अपने देश की प्रॉस्पेरिटी को वापस रिस्टोर कर सकें, उसे बढ़ा सकें। इसी तरह से सावित्रीबाई फुले जी, जिन्होंने महिलाओं को और निचले तबके के लोगों को एजुकेशन दी, इसके बाद, और ये वो फाउंडेशन थी, ये वो नींव थी जिस पर के जिसके द्वारा उनका फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उनकी एंट्री हुई, और उसके बाद वो लोग हमारे आज़ादी के स्ट्रगल का एक हिस्सा बन पाए। इसी प्रकार से अब थोड़ा आगे की तरफ देखते हुए मैं हमारे छात्रों को एक और मैसेज देना चाहूँगा कि आने वाला समय एक नॉलेज इकोनॉमी होने वाला है, तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि अब आपके लिए, सॉरी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं सर? जी, जी बिल्कुल एकदम सही आवाज आ रही है। आने वाला समय एक नॉलेज इकोनॉमी होने वाला है, तो अब हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, जैसा कि IDYM फाउंडेशन, नीव और ये सब काम कर रहे हैं। मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ इस बात से कि IDYM फाउंडेशन छात्रों के अंदर, मतलब के छात्रों ने एक सैटेलाइट के ऊपर काम किया, जो कि आई थिंक आज से कुछ साल पहले तक हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कि स्कूल के छात्र, छोटे छोटे बच्चे ये काम कर सकते हैं। हो सकता है कि उनके द्वारा बनाई जाने वाली सैटेलाइट्स वो छोटी हों, लेकिन जैसा कि हमारे पिछले वक्ताओं ने कहा कि आपके अंदर ये एक आइडिया आ गया, आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी जाग गई, आगे का काम आप अपने आप कर पाएंगे, आपकी वो क्यूरियोसिटी आपको बहुत आगे ले जाएगी, आप अपने आप इन चीजों के बारे में सीखेंगे, और आप वही, आप ही वो लोग हैं जो कि आने वाले समय में एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, आप अपनी आइडेंटिटीज बनाएंगे, और क्यों नहीं, मतलब हम लोग बड़ा सपना देखें, जो आज हमारे सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, इलॉन मस्क हो गए और बहुत सारे लोग, आप आने वाले समय में आप ही वो लोग हैं जो इन नामों को रिप्लेस करेंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप उनसे भी आगे जाएंगे, लेकिन उसके लिए वही, उन्हीं लोगों का रोल है, आपके पेरेंट्स और इक्वली इम्पोर्टेंटली आपके टीचर्स। और अपने स्पीच को छोटा ही रखते हुए मैं यही कहना चाहूंगा, मैं अपने पिछले वक्ताओं को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, सपना देखें, अपनी क्यूरियोसिटी जगाएं, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, जैसा कि मैडम ने कहा कि आपके देश का कोई पेट्रियट सिर्फ वो व्यक्ति नहीं है जो कि वर्दी पहन के सीमा पर खड़ा है, छोटे से छोटा लघु उद्योग, छोटे से छोटा किसान, हर वो व्यक्ति जो कि अपने देश के लिए कुछ कर रहा है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है, वो सारे इस देश को बिल्ड करने में एक रोल निभा रहे हैं। आप अपना डोमेन पहचाने, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको क्या चीज आपकी क्यूरियोसिटी को जगाती है। पहले हमारे पास में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, पहले हमारे पास में शिक्षा का अभाव था, अच्छे शिक्षकों का अभाव था, टेक्नोलॉजी का अभाव था, आज हमारे पास में बहुत सारी चीजों की कमी नहीं है, आज बहुत सारी चीजों का इतना लोकतांत्रिकरण हो गया है कि आप अभी, जितना मैं समझ पाया हूं, कि दूर दराज में बैठे हुए बच्चे आज हम सारों को, आज बेस्ट ऑफ पीपल को ई लर्निंग से देख पा रहे हैं, अभी हम लोग यही कर रहे हैं, तो बहुत सारे बैरियर्स हैं जो कि अब खत्म हो रहे हैं। और मैं ये चाहूंगा कि आप इन सभी अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल करते हुए अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपने स्किल्स को बढ़ाएं, और आगे आने वाला समय आपका है। इसी के साथ मैं विराम लेना चाहूंगा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरा एकदम एक्सप्लिसिट तरीके से और समग्र तरीके से एकदम एक कंक्लूडिंग रिमार्क हमारे सामने रखने की कोशिश की, और एंटरप्रेन्योरशिप को ख़ास तौर पे लेके आपने जिस तरीके की दिशा देने का प्रयास किया वो निश्चित रूप से ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाला समय उसी का है
और उसी तरफ हमें निश्चित रूप से बढ़ना होगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं, और फिर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस क्रम में वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं टुगेदर वी ड्रीम की जो को फाउंडर है सिमरन कृष्णा त्रिवेदी उनकी तरफ जाना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि इसके फाउंडर जो रहे हैं कृष्णा त्रिवेदी वो मेरे जूनियर रहे हैं हिंदू कॉलेज में, तो उनके साथ मेरे काफ़ी एक्सपीरियंस है ये संस्थान बनने से पहले के भी और जब बन रहा था और अभी जो फ्लरिश कर रहा है, तो लगातार हमारी बातें होती रहती है। तो उसी आधार पे मैं कुछ साझा करना चाहूँगा कि उस समय में हम पॉलिटिकल साइंस कॉरिडोर में और लिटरेचर कॉरिडोर में हिंदू कॉलेज में मिलते थे, और कृष्णा उस समय काफ़ी परेशान रहता था क्योंकि रात रात को जगकर बताता था मेरे को, 3-4 घंटे केवल सोता था, कभी कभी सोना ही नहीं होता था, और अपने इसी सपने को लेके। और सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो जो कलाम साहब के सपनों के प्रति जो इतनी प्रतिबद्धता कृष्णा के अंदर रही, वो मैंने किसी और में नहीं देखी। और वो कहा जाता है कि सबसे पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद में आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वही है कि अब तीसरे कदम की तरफ कृष्णा बढ़ रहा है, और उसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और जिस तरीके से कलाम साहब के सपनों को साकार करने के लिए टुगेदर वी ड्रीम लगातार प्रयास कर रहा है, तो उसका हम स्वागत करना चाहते हैं, और जितना हमसे भी बन पड़ेगा उतना हम भी उनका सहयोग करेंगे। और उनसे गुजारिश है कि इसी तरीके से तमाम अन्य जो नवाचार कर रहे जो मित्र हैं उनके संगठन को जोड़ते हुए कृष्ण कृष्णा और सिमरन कृष्णा त्रिवेदी जी जो हैं वो इसी तरीके से हमारे सामने नए नए सेमिनार और वेबिनार लाते रहेंगे, ताकि हम भी उस प्रबुद्धता को प्राप्त कर सकें और अपना योगदान है वो समाज में दे सकें। तो एक बार फिर से कृष्णा के इस संघर्ष को और इस समझ को, इस युवावस्था के अंदर जो इतनी प्रबुद्ध समझ है उसको सलाम पेश करते हुए, और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सिमरन कृष्णा त्रिवेदी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए जाना चाहूँगा, और वो साथ में प्रोग्राम की समाप्ति की भी घोषणा करेगी। तो हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, ये राम प्रसाद बिस्मिल की कुछ पंक्तियाँ हैं कि हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, जान हथेली में लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम, और जिंदगी तो अपनी मेहमान मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और दिल में तूफानों की टोली, दिल में तूफानों की टोली और नशों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा दे हमें रुको ना आज, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सिमरन कृष्णा त्रिवेदी जी का मैं स्वागत करता हूं कि वो वोट ऑफ थैंक्स और प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करें। Am I audible? जी जी सिमरन जी, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं टुगेदर वी ड्रीम और हमारे एसोसिएशन ई IDYM की ओर से आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। स्पेसिफिकली हमारे गेस्ट स्पीकर अतुल पाल सर, असिस्टेंट कमांडेंट तनुश्री मैम एंड फॉर्मर ACP अनु वेनिवल, जिनको जिन्होंने अपने थॉट्स हमारे सामने रखे। आई होप आपके व्यूज एंड थॉट्स से ऑडियंस में बैठे सभी लोग काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे, और डेफिनेटली हमारे एंड से जो भी पॉसिबल होगा हम भी उसी दिशा में कदम लेंगे, उस दिशा में अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। एंड टुगेदर विद ड्रीम इनिशिएटिव लगातार ये कोशिश करता रहा है, और आने वाले समय में भी हम कोशिश और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और स्टूडेंट्स को उनके करियर एंड एंडेवर में सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करने और मैं अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। और मैं यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगी कि वो सपने जरूर देखें, क्योंकि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं स्वतंत्र भारत का सपना देखा था, तभी हमारा देश जो है स्वतंत्र हो पाया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ अभी उपस्थित हैं जिन्होंने वेबिनार ज्वाइन कर रखा है, सपने जरूर देखें। थैंक यू सो मच आप सभी, यहाँ आपने अपना टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई हैव शेयर्ड अ लिंक फॉर फीडबैक इन द चैट बॉक्स। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस मेंबर टू प्लीज लाइक कॉपी दैट लिंक एंड यू कैन प्लीज फिल द फीडबैक फॉर्म एंड ऑल्सो इफ इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर द स्पीकर्स यू कैन फिल इन द फॉर्म। ओके जी बिल्कुल, कृष्णा ने जैसे कहा है कि फीडबैक फॉर्म है उसको आप भर दीजिए प्रोग्राम को लेके कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और साथ में अगर आप स्पीकर से जो कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो वो भी मेल के थ्रू आप हमें भेज सकते हैं और हम उसका रिस्पॉन्स है वो एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय की पाबंदियों और सीमाओं के चलते हम यहाँ पे वो क्वेश्चन हैं वो नहीं पूछ पाए, तो उसके लिए हमें खेद है। आप जो है फीडबैक फॉर्म है वो निश्चित रूप से भरें। तो कृष्णा जी समाप्त करेंगे हाँ। वेबिनार को, या आप कुछ कहना चाहेंगे अगर? नहीं, इसी के साथ हम लोग वेबिनार समाप्त करते हैं। अभी जो लोग जुड़े हैं आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह से टुगेदर वी ड्रीम इनिशिएटिव के तौर पे बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके एक बेटर नेशन और एक टुगेदर वी ड्रीम टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल ऑफ अस के और कदम बढ़ाते रहें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन। Thank you to all.